नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है आईकू Z7 5G और हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने इस फोन में अपने किसी भी प्राइवेट फोटो या वीडियो को हाइड कर सकते हो और वो भी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके फोटो वीडियो एल्बम में शो करते हैं, ये है आपके वीडियो और ये है फोटोज, लेकिन आपको अगर पासवर्ड के साथ हाइड करना हुआ तो इसमें एल्बम में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको अपने फोटो वीडियो को हाइड करना हुआ तो जाना है फाइल्स ऐप में, ये रहा फाइल्स ऐप, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे शो होंगी आपकी फोटोज और वीडियोस। तो आपको हाइड करना है, मान लेते हैं पहले फोटोज को, तो आपको इसे ओपन करना है इमेज को। अब मान लेते हैं मुझे इन 6 फोटो को हाइड करना है, तो मैं इन्हें करूंगा लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट, इस तरीके से टैप कीजिए सिलेक्ट करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे मोर पे टैप करना है और ऑप्शन होगा मूव टू सेव फोल्डर, इस पे टैप कीजिए। आपको मिलते हैं 2 ऑप्शंस लॉक को सेट करने के लिए, पिन या फिर पैटर्न। मैं सेट करूंगा पिन, आपको अपना पिन सेट करना है। नेक्स्ट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, फिर से नेक्स्ट कीजिए, गॉट इट कीजिए। इसके बाद जो फोटोज आपने किए थे सिलेक्ट, अब वो हो चुके हैं हाइड, मतलब यहां पे भी फोटो शो नहीं करेंगे। इसके अलावा एल्बम में भी अब जो फोटोज है वो शो नहीं करेंगे, पहले थी यहां पे 47 फोटोज लेकिन अब है 41, तो 6 फोटोज यहां से हो चुकी है हाइड। मतलब कि अगर आप फाइल्स ऐप में जाकर किसी भी फोटो को वीडियो को हाइड करोगे तो सभी जगह से वो हाइड हो जाएंगी। अब मान लेते मुझे हाइड करना है वीडियो को, तो वीडियो को ओपन कीजिए, जिस वीडियो को आपको हाइड करना है उन्हें कीजिए सिलेक्ट, फिर आपको करना है मोर पे टैप और कीजिए मूव टू सेव फोल्डर, अपना पिन एंटर कीजिए, नेक्स्ट, आपकी वीडियो हो जाएंगे हाइड। मतलब कि आपके फाइल सेप में भी वीडियो शो नहीं करेंगे, इसके अलावा जो एल्बम है उसमें भी वीडियो शो नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने फोटो वीडियो को हाइड कर लिया है। अब आपने हाइड तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें देखना कैसे, उन्हें कैसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा सेव फोल्डर का ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है, अपना पिन एंटर कीजिए, नेक्स्ट पे टैप कीजिए। आपके जो भी फोटो वीडियो आपने हाइड किए हैं यहाँ पे शो करेंगे एक ही प्लेस पे, आप देख सकते हो यह है वीडियो और यह है फोटो। आप यही से किसी भी मीडिया फाइल को ओपन कर सकते हो, उसे डिलीट भी कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो। आप इनका जो व्यू है उसे भी चेंज कर सकते हो, बिगर व्यू या फिर स्मॉलर व्यू, इस तरीके से। अब इनमें से अगर आपको किसी भी मीडिया फाइल को अनहाइड करना हुआ, मतलब कि अगर आप चाहते हो जो मीडिया फाइल है वो मुझे शो करे एल्बम में, माय फाइल्स में, तो आपको उन्हें करना है लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट, इस तरीके से, और फिर आपको करना है मोर पे टैप और यहाँ पे है मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर, इस पे टैप कीजिए। तो जो भी आपने मीडिया फाइल अनहाइड किए हैं अब आपको शो करेंगे आपके फाइल्स ऐप में और आपके एल्बम में भी फोटोज और वीडियो शो करेंगे जो आपने अनहाइड किए थे। अब इस तरीके से आप जब चाहे तब किसी भी फोटो वीडियो को हाइड या अनहाइड कर सकते हो फाइल्स ऐप में जाकर, और आप कर सकते हो सेव फोल्डर के जरिए। अगर आप चाहते हो सेव फोल्डर यहाँ पे शो ना करें तो आप यहाँ से इसे हाइड भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे है हाइड सेव फोल्डर, टैप कीजिए। अब यहाँ पे सेव फोल्डर शो नहीं करेगा, तो अगर आपको सेव फोल्डर को एक्सेस करना हुआ तो आपको वापस फिर से यही पे टैप करना है और शो सेव फोल्डर, इसके बाद आप इस तरीके से सेव फोल्डर को एक्सेस कर पाओगे। आप अपने सेव फोल्डर के पिन को चेंज कर सकते हो, इसके अलावा जो लॉक टाइप है उसे भी चेंज कर सकते हो, तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा सेव फोल्डर, इस पर टैप कीजिए, चेंज लॉक पे टैप कीजिए, अपना पिन एंटर कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। मुझे सेट करना है पैटर्न, तो मैं पैटर्न पे टैप करूंगा, आपको अपना पैटर्न सेट करना है, नेक्स्ट पे टैप कीजिए, नेक्स्ट, गॉट इट। तो अब अगर मुझे सेव फोल्डर को एक्सेस करना हुआ तो मुझे मेरा पैटर्न जो है उसे एंटर करना पड़ेगा, इस तरीके से, तभी सेव फोल्डर ओपन होगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन में फाइल्स ऐप में जाकर सेव फोल्डर के जरिए किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड कर सकते हो और जब चाहे तब उसे अनहाइड कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।